बोलो माय माय नाउ स्ट्रीमिंग वेरी नाइस वी आर नॉट रोलिंग राइट मैम इन नहीं नहीं यार खाने दो अच्छा मैं ऐसे Hi, I'm Saini Raj and this is Menu Please. बचपन से मुझे एक चीज के लिए जाना जाता है. That's right, खाना खाना. पर अब मुझे खाना बनाना भी आता है. तो मुझे लगता है खाने की तरफ जो मेरा प्यार है इसको मैंने manifest कर दिया है. And now I'm getting to talk to celebrities about food. Like I'm an expert. So before the peeps at Netflix read into my bluff, let me introduce you to our guests. Our first guest is an acting school in herself. She's a silver screen legend. We've seen her in shows like Kahani Ghar Ghar Ki, Bade Achhe Lagte Hai, Dial 100, Code Red, 24, Dangal, and the list goes on and on. And our second guest, well, she's done films in Hindi, Punjabi, Tamil, Telugu, Malayalam. I'm sure next year tak baki ki industries bhi cover ho jayenge. We saw her last in 83. And together, they're starring in Mai, that's currently streaming on Netflix. So let's hear it for the mighty talented Sakshi Tanwar and Mamika Gabbi. Awesome. Hi. 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 Wow. I'm so excited. Okay, straight off the bat, this is my first time hosting. मैंने पढ़ा कि आपने फूड शो होस्ट किया है और आपके पास ऑलरेडी काफी कहानियां हैं खाने को लेकर तो आप मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना जस्ट इन केस दिस बिकम्स अ करियर ऑप्शन टुडे आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू I'm going to take tips from you. Oh, that's so sweet. Tell me the one dish, like your childhood memory, ki ye bachpan mein main ye khati thi and I just... Dekho, main... I think mere sab dost sab ka ek hi hoga ki Maggi. Ye toh humare tiffin ka wo hota tha na ki aaj mummy Maggi de do. मेरी मैगी काफ़ी फेमस है मेरे फ्रेंड सर्कल में बिकॉज जब हम लोग शूट किया करते थे मैं कुछ 25-30 साल की बात कर स्पेशली वो कहानी शूट मौका कम होता था कि मुझे गैप मिल जाए शूट में लेकिन मिलता था तो मैं घर आती थी एंड एवरीवन यूज्ड टू से मैगी बना के लाना तो आई पुट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स तो वो हम बना के ले जाते थे एंड एवरीवन यूज्ड टू लव इट तुम आना कभी तुम्हें बना के खिलाओ पक्का प्लीज पक्का Yes. I love how I've been singled out. तुम आना आप मुझे खा के बता दो That's fine. मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगी कैसी थी मैं आपको डीएम कर दूंगी बताओ मैगी So because Mai celebrates motherhood and empowered women and the strength that women carry, we decided कि हम आपको चार डिशेस खिलाएंगे जो चार मम्मास ने बनाएंगे और तो हम बुला ले पहला डिश मम्मास साबुदाना खिचड़ी एंड काकड़ी की कोशिंबी कचुंबर 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 यम ओह वेरी नाइस आई लव द पीनट स्प्रिंकल्स दैट हैपेंस ओके मैम आपने यू डन टीवी से फिल्म्स ओटीटी यू नॉट गोइंग टू आस्क ना कि किस मीडियम का खाना खाना अच्छा लगा आपको Really? I was asking what set food कितना बदला है since क्यों मुझे पता है वो हमारे इन के डब्बे आते थे या अभी भी तंदूर वंदूर हो गया लाइव तंदूर वगैरह आ गया तो like आपने कितना I think I realized this very early in my career कि मैं सेट का खाना रोज नहीं खा पाऊंगी तो बहुत सालों से I've been eating घर का खाना only what I can say is कि थोड़ा जो एड शूट्स वगैरह होते हैं उस पर थोड़ा इलैबरेट होता है चॉइसेस ज़्यादा होती हैं गरम गरम बना के खिला देते हैं तंदूर भी रखा एक होता है सारा पैसा सब लगा अच्छा बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं सिर्फ सुनने के लिए पूछ लेती हूँ क्या क्या है इट फील्स नाइस यू नो तो दे टेल मी ये भी है ये भी है इंडियन में ये है चाइनीज में ये है फलां ढिमका और फिर मैं बोलती हूँ हाँ फिर मैं बोलती हूँ चल मेरा ढिमका तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता And with you, ma'am, because you played a mother, but itne alag alag shades, itne alag alag kirdar from kahani ke part se Dangal to even in Mai. Aapne kuch bhi aise soch ke or has it just come to you? I think I was just fortunate, very honestly, to have got different shades each time. Jab shuru hota hai, to you want to just do whatever is coming and do it sincerely. Yes. तो अब मेरे साथ वो भी ज्यादा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज एक शुरू किया तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था इट वेंट ऑन फॉर 8 इयर्स ऑल्दो दैट इन इटसेल्फ वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ दैट ऑफ अ मदर मदर क्या उसमें तो मतलब नानी दादी भी काफी आगे तक पहुंच गई मैं यस विद माय डेफिनेटली आई लव द फैक्ट दैट दिस इज अ
दिस इज द शेड दैट हैज नेवर बीन शोन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. आई हैव नेवर गॉट टू एक्सप्लोर इट. सो दैट वे आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि ये वाला तो करना है. पता है मुझे किसी ने पूछा था कि क्या है वो एक चीज जो which should compel people to watch. I said, Sakshi Tanwar. I have never seen it. I just want to watch that show for you. That is true. It's actually no, like, no, she's being khade karne wali. Very but gracious about it. Wonderful. Yes, because sign language. When you've seen her. Yeah, it's so difficult and you've done it so wonderfully. How difficult was it to learn the sign language? And even for you, ma'am, to respond. No, the kind of hard work that she put into it. मैंने उतना नहीं किया, मैंने सिर्फ scenes सीखे थे क्योंकि मुझे खाली react करना था. How much sign? I was very nervous about the sign language and I remember telling Atul sir, I said, जब तक शूट शुरू हुआ मेरी वो काइंड ऑफ सेकेंडरी लैंग्वेज बन गई. यू नो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड केयरिंग लेस अबाउट द साइन लैंग्वेज और इवेंचुअली बहुत नेचुरली आ ही गई थी. बट आई वाज वेरी नर्वस कि इनके साथ काम करने को मिलने वाला है और मेरे पूरे घर वाले बहुत खुश थे. वाओ ऑन दैट ब्यूटीफुल मम्मा डॉटर नोट दूसरा डिश बुलवा रहे हैं. ओह यस हां यस. सो दिस इज सरसों का साग माख की दाल एंड मक्की की रोटी. Cheers. Yeah, मैं तो इसके साथ ही मुझे अच्छा लग रहा है वैसे. The dal is yum. Yum. This is really good. This is very like this is an observation. Back in television, जब TV कहानी वगैरह even other shows. 20 साल पहले. दो decades. जो मेल एक्ट्रेसेस होती थी वो एक जोक चलता था कि वो सोते भी विद मेकअप है उठते भी मेकअप के साथ है. And from that to seeing you and Mai. Where there is and you're looking gorgeous, okay? Yeah. And there's barely anything on your face. How much have beauty standards for you changed as the lead role? I think I feel far more liberated now. I feel that I have the confidence to step out the way I am with all my flaws and everything. So that has tremendously changed over the years because a certain look hum logon ka hota tha. एक बार while the show was on मैं water park SL में जो है water park वहाँ हम लोग गए थे. तो अब मैं वहाँ थोड़ी साड़ी पहन के और वैसे जा सकती हूँ. I was with family and there was a group of women and they were really disappointed to see me. So this was expected out here. Yeah, my god. पार्वती मतलब you know pant पहनती है. Yeah मतलब they were like not expecting me in any other look but what I used to look like in the show. So did you give in? Just so I'll tell you what, there was no time only to do something else. There was no social media जहाँ पे आप अपने आप को दिखा सको कि ये आप हो. Of course एक आध बार बीच में कुछ खास इंटरव्यू या कुछ हो गया कैंडिड जिसमें आप दिख गए तो दिख गए. But it all started happening I think after 2010. मुझे ना ये जो अभी का जो आप जैसे कह रहे हैं अगेन सोशल मीडिया नहीं था इंटरनेट नहीं था तो लोगों को पता नहीं था. बट आई विश दैट आई कुड लिव दैट लाइफ नाउ. मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ना आप कुछ कर लो और फिर से प्रमोशंस ही प्रमोशंस हैं. एंड इतनी इंटरव्यूज में आपने उनके ओपिनियंस जान लिए हैं वो कैसे उनके ना उनका खाना कौन सा पसंद है कौन सा अच्छा लगता है मम्मी का कौन सा बनाएंगे सब पूछ लेते हैं. Some vegetables too and a pumps. This is also my favorite part, you're right. So what was your favorite part about Mai? And like, why did you choose this particular character? Even if it came to you, what was so exciting about it? So I heard it like an outsider, like from a very objective point of view. And I was like, yaar, maza hai. You know, exactly. Like, Then of course, aapke ticks hote hain. You know, character, story, director, writer, production house. तो कोई reason नहीं था मना करने का. क्या reason था? ये same answer मेरा है. That it actually all the boxes, and I was excited to, you know, share screen space with her. Then Atul sir,
I was so looking forward us waqt. I remember I was kuch aisa acting nuances that you picked from her, something that you learned from. Tumne to dekha hai na ji, main usse trailer mein bhi hai that accident shot. It's such a heavy intense scene and jaise ye perform inhone kiya hai na wahan pe, and kitne baar takes hote the, matlab mujhe aisa lagta hai ye how is she doing it every time. Every time aur setup se break bhi ho raha hai till they take time to set up and then you come back. It was a very difficult shot also, very beautiful expression. I mean, after the shot I remember hum jaise wo khatam hota har baar we used to just hold hands and mam bas aise rehte aur main bas aise ki तो वो हुआ. एंड देन मैं बताना चाहूंगी ये बात, हमारी पहले दिन की जो वर्कशॉप हुई, वर्कशॉप में क्या था, सुनिए गाइस लिसन, वर्कशॉप में मेरी वर्कशॉप क्या थी इनके साथ, किम की आंखों में देखना है हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के, और मैं ऐसी थी, मैंने कहा हाँ हाँ पकड़, हेलो हाथ चलाने दो कोई बात नहीं, और पास और उसके बाद ये ऐसे बैठी हुई है और मैं इनकी गोदी में सिर रख के, या दैट वाज रियली नाइस, आई वाज जस्ट, मैं तो बहुत खुश थी उससे, आई फेल्ट इट, है ना, यू फेल्ट इट, आई फेल्ट, या आई थिंक ऑन दैट स्वीट मोमेंट वी नीड सम डेजर्ट. Okay, some ukdi samoda. Cheers. Very nice. This is a question that I was meaning to ask in the beginning. There is that beautiful cathartic scene jahan aap wo pastry kha rahe hain. Oh, right? We don't see enough female characters eating on screen. And signify just it, yeah, heroine ki best friend, haan, matlab, aur uska koi mazak uda raha hai, like it's kind of always in correct, that zone. Correct. Us scene ke bare mein aap, wo bahut mushkil scene tha, wo bahut aise lagta hai dekhne mein ki aasan hai, because all you have to do is ye dekhne mein bilkul aisa, like I was in tears. Yeah, it was a very tough scene. I know how I have swallowed that pastry in that scene. It did. It came through. So like, do you think it's a good time to be a woman in cinema today? It's a good time to be an actor, and like we've had a blast. Yeah. See, definitely. I think they are more accepted now. क्योंकि पुरानी फिल्म्स में भी ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं जो यू नो फीमेल सेंट्रिक हैं और यू नो, बट आई थिंक वो उतना एक्सेप्टेड नहीं था पहले, और अब क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडियोज एंड अच्छे अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर यू नो बैकिंग अप प्रोजेक्ट्स लाइक माई, मतलब तो आई थिंक सही हो रहा है जो हो रहा है फिलहाल, बट मुझे लगता है इट्स अ लॉन्ग जर्नी. या आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग. यस, जस्ट एंड वी ऑल आर ऑन द राइट पाथ, सो यस, टच वुड. आई जेन्युइनली हैड अ गुड टाइम. ये मेरे स्क्रिप्ट में भी लिखा था, पर मैं आई मीन इट, आज मैं बोल ही दूंगी, बट आई रियली लर्नड अ लॉट. यू ऑल आर वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग वुमेन, एंड आई हैड अ ब्लास्ट, आई एम श्योर यू ऑल्सो डिड. जाते जाते आप बता देंगे, आई नो, बट बता देंगे कि क्यों देखना चाहिए माई. मुझे तो पता, साक्षी तन्वर जी के लिए प्लीज माई देखिए. नहीं, मैंने जो बोला था ना शुरू में, आई टोल्ड यू ऑल द रीजन व्हाई वी चोज टू डू द शो, सो इट हैज ऑल द टिक्स. यस, सो दैट इज व्हाई आई थिंक यू शुड वॉच इट. डेफिनेटली, सो गो कैच माई नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स. माई, ओके ओके माई, यू हैव दिस. लेट्स गो, लेट्स गो. ओके, बाय बाय, थैंक यू.